प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछले वीडियो में मेंशुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांकी आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। आप आराम से घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। ज़रा ध्यान दें, क्वेश्चन आपका क्या है, दो बिंदुओं के एच कॉमा के ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दो बिंदुओं के एच कॉमा के ज्ञात करना है। एच कॉमा के का मतलब होता है बिंदुओं के, सॉरी जो भी आपके बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोनों बिंदुओं के बीच के बिंदु के निर्देशांक भी कह सकते हैं या मध्य बिंदु के निर्देशांक भी कह सकते हैं। इसको आप एच कॉमा के से दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं, एक ही बात है। अब आप देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में ज़रा ध्यान दें। पहले पॉइंट से x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, सेकंड वाले पॉइंट से x2 बराबर 0, y2 बराबर 35। अब जरा आप देखिए अपना h कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान दें। फार्मूला जो हम आपको बता रहे हैं, ज़रा ध्यान दें आप। h बराबर आपका है x1 प्लस x2 बटे 2। सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 0 मिल जाएगा। k बराबर फार्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2। इसको हल या सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 35 बटे 2। अब जरा आप ध्यान दें h कॉमा k, ज़रा ध्यान दें h कॉमा k, h कॉमा k, ये डॉट नहीं है, कॉमा है, h कॉमा k 0.35/2। आपका क्या है h कॉमा k 0.35/2। तो यहाँ पर h कॉमा k क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक या बीच के बिंदु के निर्देशांक हैं। यही आपका आंसर है, सलूशन है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।